नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी विधानसभा से जी जान से लगे हुए हैं। हर प्रत्याशी ने अपनी विधानसभा के विकास के कार्यों की सूची बना रखी है। इसी कड़ी में लखनऊ की मोहनलालगंज विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अमरेश कुमार रावत ने 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर अपनी प्रतिक्रिया प्राइम टीवी की टीम के सामने व्यक्त की है। साथ ही मौके पर मौजूद गोसाईगंज के ब्लॉक प्रमुख विनय वर्मा ने भी 2022 के विधानसभा चुनाव पर अपना पक्ष रखा है। 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके मतदान भी शुरू हो चुका है। पिछले 10 तारीख को पहला चरण था, जिसके चलते लोगों ने मतदान किया है। अब आने वाले 23 तारीख को भी मतदान होगा, जिसके लिए प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस रखी है। इस वक्त हमारे साथ मोहनलालगंज से बीजेपी की प्रत्याशी अमरेश कुमार रावत हमारे साथ में मौजूद है। इनकी क्या तैयारियाँ हैं, सीधे बात करते हैं अमरेश कुमार रावत जी से। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप दावेदारी कर रहे हैं इस क्षेत्र से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं आपकी? तैयारियां बहुत कुछ करनी ही नहीं पड़ रही हैं, क्योंकि सरकार ने हमारे ऐसे काम किए हैं जी, जो निचले स्तर तक सभी वोटर तैयार बैठा है जी, वोट की वोट डालने के लिए और सरकार बनाने की मुहिम में जी, बिल्कुल उतावला है जी, वोटर हमारा जी। और हम लोग जो हमारी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की योजनाओं को केवल बताते हैं, और जो हमने सरल स्वभाव से 10 साल से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, सभी से परिचित हैं, सभी को पसंद है आपस का व्यवहार, इसका भी लाभ मिल रहा है। और सरकार ने हमारे जो काम किया है, सबसे बड़ा काम जनता के दिल दिमाग में वही है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से जनता हमारी जी रही है। दहशतगर्द ख़त्म हुआ है, गुंडेगर्दी ख़त्म हुई है, योजनाओं को ज़मीन पे उतार दिया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो गरीब जनता को हर योजना का लाभ मिल रहा है, उससे हमारे यहाँ जनता पूरी खुश है। अच्छा, आपके क्या विशेष मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में उतरेंगे? विशेष मुद्दे जो भी कहीं ना कहीं हमारे इस क्षेत्र में आज़ादी से के बाद अब तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं रहा, इसलिए हमारी सरकार होते हुए इस क्षेत्र का विधायक, जो विधायक निधि से या सरकार की योजनाओं से काम होना था, तो क्योंकि समाजवादी का विधायक था, कहीं न कहीं जो अन्य सरकारें रही हैं, अन्य दल रहे हैं, वो द्वेष की भावना से काम करते हैं। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। हर वर्ग, हर जात, हर धर्म के लोगों का काम होता है। किसी का मुंह देख करके, किसी का धर्म और जात देख करके काम हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है जी। हर वर्ग के लोगों का मतलब नंबर भी आता है जी। और उनकी योग्यता से, उनके कार्य क्षमता के हिसाब से उन पदों पे हमारी पार्टी जो है आसीन भी करती है। इसलिए हमारे यहाँ कुछ भेदभाव नहीं है किसी के विषय में जी। ये बहुत बड़ा जो है दिल दिमाग में लोगों के प्रसन्नता का काम है भारतीय जनता पार्टी का। बाकी अमरेश जी, ये बताइए कि अभी आप कई समय से जनसंपर्क अपने मोहनलालगंज क्षेत्र में कर रहे हैं, किन समस्याओं को देखने के लिए मिला है, कौन कौन सी समस्याएं देखने के लिए मिली हैं? समस्याएं अभी तक तो कोई नहीं देखने को मिली हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो जानवरों वाला था किसानों को जी, तो किसान उनको भी काफ़ी हद तक गौशाले बनवा करके हमारी सरकार ने उनको कंट्रोल किया है। कहीं ना कहीं छुटपुट जहाँ रहे हैं उनके लिए प्रयास है कि ये चुनाव निपट जाने के बाद, आचार संहिता ख़त्म होने के बाद, उनकी पूरी तैयारी है, कोई भी जानवर खेतों में टहलते नहीं मिलेगा, सब उनकी व्यवस्था सरकार हमारी कर देगी। और जो भी प्रतिनिधि लोग हैं वो अपनी अपने प्रयास से भी सभी लोग लगे हुए हैं, चाहे हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, सभी लोगों ने वादा किया है कि हम एक भी जानवर किसी खेत में छुट्टा नहीं मिलेगा, उसकी व्यवस्था हम लोग पूरी करेंगे, सरकार हमारी करेगी, ये तैयारी है। और किसान, जो गरीब किसान हमारा है, वो बहुत खुश है इस चीज़ से जो हमारी सरकार ने किसान सम्मान निधि दे करके साल में 3 बार 2000 रुपये मिलता है। 1 बीघे खेत में 5-5 भाई हैं, ना खेत जोतते बनता है, ना बोते बनता है, गोड़ करके कुछ भी छिटक वो लेते हैं,
जितना नहीं पैदा होता उतना सरकार हमारी बराबर उनकी व्यवस्था देती है, अनाज भी देती है, सम्मान निधि के रूप में 2-2 हज़ार रुपये देती है। इससे गरीब तबके का हर वर्ग आदमी जो है बहुत खुश है हमारी सरकार से जी। बाकी सर, अन्य पार्टियां बोलती हैं कि अभी बीजेपी सरकार में सिर्फ बातें कही गई हैं, विकास पे काम नहीं किया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? वो केवल कहने की बातें हैं, जनता सब जानती है काम क्यों नहीं हुए। हमारी जनता को 2 बार फ्री राशन भी मिल रहा है, हमारी माताएं बहनों को सबसे पहले जैसे ही सरकार हमारी देश में बनी थी पहला काम उज्ज्वला योजना के तहत माताओं बहनों की चिंता करते हुए हमारे मोदी जी ने गैस सिलेंडर सबको उपलब्ध कराया। दूसरी बार में फिर 1 करोड़ जो है गैस सिलेंडर बांटे गए। इसके अलावा फ्री राशन मिल रहा, किसान सम्मान निधि मिल रही, शौचालय घर घर मिले, आवास मिलने का पूरा काम हुआ, जो 80% आवास बन गए हैं, जो बचे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था 2020 पूरा होते होते हमारे देश में कोई भी कच्चा मकान नहीं रहेगा जी। ये सब काम जमीन पे दिख रहे हैं, जनता को दिख रहे हैं, केवल उनको नहीं दिख रहा है। जो बेईमानी मकारी से काम करते थे वो करने को नहीं पा रहे हैं, आहत हैं तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, जो उनके मन में आता वो बोलते हैं, लेकिन जनता उन चीज़ों को सुन नहीं रही है। तो मोहनलालगंज से बीजेपी की दावेदारी कर रहे अमरेश रावत जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार विकास पे काम कर रही है, जो अन्य पार्टियां विकास के मुद्दों पर जो बात उठा रही है उनका बस ये कहना है कि वो लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ कहने के लिए तो ज़रूर चाहिए। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी लखनऊ। और इस वक्त गोसाईगंज के ब्लॉक प्रमुख विनय वर्मा जी भी हमारे साथ हैं, वो इस पे 2022 के विधानसभा चुनाव पर क्या कहते हैं सीधे उनसे बात करते हैं। तो विनय जी, आपका क्या कहना है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास किए हैं, उन विकास के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे विधायकगण चुनाव मैदान में हैं। मोहनलालगंज विधानसभा के चुनाव में हमारे प्रत्याशी भाई अमरीश रावत जी इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और विकास के मुद्दे पर वो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोहनलालगंज से विधानसभा चुनाव जीतेंगे जी। आप किन विकास के बात कर रहे हैं, आप किस तरीके का विकास चाहते हैं इस क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में जो भी मूलभूत सुविधाएं रही, गरीबों को आवास मिले देने का काम हमारी सरकार ने किया, गरीबों को राशन कार्ड देने का काम किया, गरीबों और पात्र व्यक्तियों को इलाज कराने का काम हमारी सरकार ने किया, गरीबों और पात्र व्यक्तियों को उनके हक और अधिकार देने के काम हमारे क्षेत्र को मिला। हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी, माफियागिरी, दबंगई खत्म हुई इसी सरकार में। हमारे क्षेत्र को जो एक्सप्रेसवे हमारे क्षेत्र से गुजरता था, उन एक्सप्रेसवे के बीच में जो किसानों को की ज़मीनें थी, उन किसानों को सम्मानजनक तरीके से उन ज़मीनों का उनका जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मिला। हमारे क्षेत्र को जो बेसिक समस्याएँ थी जो अभी तक नहीं हुई थी, कई सरकारें आई और सरकारें चली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सुशासन व्यवस्था रही हमारे क्षेत्र को मिली, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। हमारे क्षेत्र में आज भी बहन बेटियां विद्यालय जा पा रही हैं। पहले होता था कि बहन बेटियां हमारे गार्जियन के साथ स्कूल पहुँचती थी, रास्ते में कोई मनचला या कोई उसको छेड़छाड़ करने की जो व्यवस्था थी वो ख़त्म की गई। ऐसा कुशल नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिला, जिससे हमारे क्षेत्रवासियों को इस मोहनलालगंज विधानसभा वाले इस बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपना विधायक चुनना चाहते हैं, और वो 23 फरवरी को अपना विधायक कमल के निशान पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।